कहा था कि हम अपने स्टाफ को पंजाब के लिए नहीं भेज सकते, तब प्रेसिडेंट सर ने ये आदेश किए थे कि वाई नॉट वी अप्रोच पंजाब पुलिस. तो हमने पंजाब पुलिस को अप्रोच किया था एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब पुलिस हमने अपने कॉलेज के अंदर जो है गर्ल्स को फिजिकल ट्रेनिंग दी है, मार्शल आर्ट्स उनको सिखाई है. हमारी अभी तक 3 वर्कशॉप्स जो है हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमारी एक स्टूडेंट जो है वो ब्लैक बेल्ट होल्डर भी बन चुकी है. और कॉलेज को इस उपलब्धि के लिए जो है ऑनर भी किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और लास्ट ईयर जो है आईजी साहब की तरफ से कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम में एप्रिसिएशन भी हमें रिसीव हुई है. ड्यू टू कोविड जो है हम इसे फिजिकली दोबारा से नहीं कर पाए, लेकिन कमिंग मंथ में प्रिंसिपल मैडम ने दोबारा से इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का प्लान जो है कर लिया है. तो बहुत शॉर्ट के अंदर जो है मैं बता रही हूँ कि हम बच्चों को फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिसके मद्देनजर हमने साइबर सिक्योरिटी फॉर वुमेन सेफ्टी एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी जिस तरीके की वर्कशॉप्स को भी जो है ऑर्गेनाइज किया है. और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम डॉक्टर अंशुल जी से कि प्लीज वो अपने शब्दों से आज का जो है वेबिनार उनको सफल बनाएं. तो मैडम हम सभी यहाँ पर आपको सुनने के लिए बैठे हैं, हमारी के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया है. प्लीज मैडम ओवर टू यू डॉक्टर अंशुल. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू द प्रिंसिपल, टू प्रोफेसर जसविंदर एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स. अगर बात करें तो मैरी कॉम की एक बहुत फेमस कोट है, किसी को ये मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो. मैम आप स्लाइड शो करना शुरू कर देंगे प्लीज. आज का जो सेशन है वो जेंडर सेंसिटाइजेशन पर है. मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एज वुमेन वेलफेयर ऑफिसर काम कर रही हूँ. तो जेंडर सेंसिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, उससे पहले जानना हमें ये ज़रूरी है कि जेंडर क्या है. मैम कैन यू प्लीज प्ले द पीपीटी. थैंक यू. क्या मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों तक? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. तो अगर next slide please. मैम इसको हाँ presentation mode में कर दीजिए. Next slide. तो बात करेंगे gender sensitization की. बात करने से पहले हमारे पास सवाल आता है कि gender क्या है, और जब हम gender की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग gender और biological sex ना उसको सेम कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जेंडर क्या है और सेक्स क्या है. सेक्स है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंडिविजुअल की जो आदमी और औरत को अलग अलग बनाते हैं. सही. जैसे एक फीमेल है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसका सेक्स है. ठीक है, वो मेल पैदा हुआ या फीमेल पैदा हुआ. सेक्स नेचुरल होता है, कांस्टेंट होता है, नॉन चेंजेबल होता है. तो फिर जेंडर क्या है, क्योंकि जब बचपन में शायद हिंदी की क्लास में ग्रामर में आप लोगों ने किया होगा कि हम जेंडर चेंज किया करते थे, है ना, लिंग परिवर्तन जो करते थे. तो उसमें देखते थे हम कि आदमी औरत, है ना, लोटा लोटिया, चाचा चाची, इस तरह से. तो जेंडर क्या है और सेक्स क्या है. जेंडर जो है वो हमारे सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वैल्यूज हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं. ठीक है, फॉर्म ऑफ पावर है जो किसी भी आदमी या औरत को पोस्ट बर्थ जो है वो दी जाती है. ठीक है, जैसे बोला जाता है कि मेन आर माचो राइट एंड वीमेन आर वीकर, ये एक जनरल सा नोशन है सोसाइटी में. तो जेंडर क्या है, पहली चीज जेंडर लर्न्ड है. आपको कैसे पता चला कि आदमी माचो है या मर्द को दर्द नहीं होता है, कहाँ से सीखा आपने? सोसाइटी से, ठीक है, टीवी से, मूवीज से, आसपास के लोगों से. लड़के रोते नहीं है, कोई लड़का रो रहा हो तो
क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, है ना, तुम बड़े हो गए हो, लड़के ऐसे नहीं रोते हैं, तुम लड़की हो, जोर से क्यों बोल रही हो, किसी लड़की को कराटे करने जाना है तो तुम कराटे नहीं कर सकती हो, तुम्हारा काम, लड़कियों के लिए एक फीमेल स्पेसिफिक जॉब्स बना दी गई है ना, कि औरत है टीचिंग जॉब में रहेगी, अच्छा रहेगी, फैमिली भी देखेगी और अपना अर्निंग भी करेगी और अपना नौकरी भी कर लेगी। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका एक मिसनोमर भी है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करेंगे आज। तो जेंडर क्या है? लर्न्ड है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है। अब कंटेक्स्ट स्पेसिफिक की बात क्या है, मतलब जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमने बचपन से पढ़ा है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, है ना, हमारे यहाँ पर पेट्री आर्कियल सोसाइटी है, पेट्री लीनियल हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन आप वहीं भारत में अगर कुछ एक कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या फिर आपका मेघालय का स्टेट है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैट्रिलिनियन यानी मातृ प्रधान, है ना, या स्त्री प्रधान जो है वो सोशल स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो जेंडर क्या हो गया? कंटेक्स्ट स्पेसिफिक हो गया। जरूरी नहीं है कि अगर एक सोसाइटी में फीमेल को कुछ रोल्स जो हैं वो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं तो दूसरी सोसाइटी में भी औरत के लिए वो रोल्स प्रोहिबिटेड होंगे, ठीक है। जैसे रिलीजन की बात करते हैं, अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन में शायद मोस्टली आप में से हिंदूज होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, है ना। तो जो हिंदू रिलीजन में आप देखेंगे तो अगर फीमेल की बात करें तो शादी के बाद ब्लैक नहीं पहन सकते हैं, वाइट नहीं पहन सकते हैं, राइट। वहीं अगर बात करेंगे टूवर्ड्स योर क्रिश्चियंस तो शादी किस में होती है? वाइट कलर के गाउन में होती है ना। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि जेंडर रोल सिर्फ औरतों के लिए है, मेल्स के लिए भी है। जैसे हमारी सोसाइटी का एक जेंडर रोल क्या है, लड़का है परिवार की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, शादी नहीं होगी जब तक नौकरी नहीं होगी, जल्दी जल्दी से नौकरी पे लग जा नहीं तो तेरे को कोई लड़की नहीं देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जेंडर हमारा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है सोसाइटी से सोसाइटी और टाइम से टाइम। जो आज से 100 साल पहले मेल और फीमेल एज जेंडर रोल्स थे वो आज की डेट में चेंज हो चुके हैं, और जेंडर जो होता है वो मस्कुलिन और फेमिनिन होता है। सेक्स की बात करें तो सेक्स क्या है, जिस तरह से हम बॉर्न होते हैं, द वे वी आर बॉर्न, हमारा जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आदमी और औरत को अलग बनाते हैं। जैसे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक फीमेल चाइल्ड बियरिंग कर सकती है ना, बच्चा जो है प्रेग्नेंट एक औरत हो सकती है, बच्चे को दूध एक माँ पिलाती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग हम जिसको कहते हैं, मूछें आदमी को होती है। तो ये क्या है, ये सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैं हमारे में, जीन्स हैं हमारे में, दे ऑल मेक पार्ट ऑफ द सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है। मेल और फीमेल जो है हमारी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, जबकि जो मेन एंड वुमेन है वो हमारे जेंडर टर्म्स हैं, ठीक है। सेक्स नेचुरल है, कॉन्स्टेंट है, नॉन चेंजेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड पे आप दो इमेजेस देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम स्लाइड चेंज कर देंगे प्लीज। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। प्रोफेसर जसविंदर, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? या दैट वुड डू, थैंक यू। अगर आप ये वाला जो है इमेज देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक, ठीक है मैम प्ले कर दीजिए, ये जेंडर टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, एक ट्राइंगल आपको नजर आएगा, ठीक है। जो ट्राइंगल है उसके ऊपर लिखा हुआ है जेंडर एट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जेंडर जो है वो हमारा किस तरह से एट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, कि हमारे जो जेंडर परसीव्ड हैं दूसरों से वो किस तरह के हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर ट्राइंगल के राइट कॉर्नर पे, इस वाले एंगल पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा जेंडर एक्सप्रेशन, किस तरह से हम अपना जेंडर दूसरों को दिखाते हैं। एंड देन थर्ड एट द लेफ्ट कॉर्नर इज द सेक्स असाइंड एट बर्थ, है ना, कि हमारे को जब हम पैदा हुए थे तो किस लेबल से मेडिकल कम्युनिटी ने हमें बताया था कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है ना, डॉक्टर आता है बेटा हुआ बेटी हुई है ना, या आप डिलीवरी पॉइंट्स के बाहर आप अनाउंसमेंट्स होती हैं जब कोई औरत जो है बच्चे को जन्म देती है ना,
कि उसके पास बेटी हुई है, बेटा हुआ है, और जेंडर आइडेंटिटी बिल्कुल सेंटर में एक पर्पल कलर का जो है वो ब्रेन काइंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जेंडर आइडेंटिटी है कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो या अपने आप को कैसे देखते हो. जैसे हो सकता है कि कोई लड़की अपने आप को ज्यादा कोरिलेट करती हो अपनी मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, राइट. तो दैट कैन बी कि जैसे हम एक जो स्लैंग लैंग्वेज की बात है कि वो टॉम बॉयश है, टॉम बॉयश है, शॉर्ट हेयर है, राइट. जो उसका पहनावा है वो कन्वेंशनल फीमेल वियर नहीं है, है ना. तो वो जेंडर आइडेंटिटी है. या कोई लड़का है जिसको नेल पेंट लगाना पसंद है, ऑल्दो वी वोंट गेट इनटू दैट डिटेल, बट जेंडर आइडेंटिटी कि मैं अपने आप को किस तरह से देखती हूँ वो मेरी जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है. राइट साइड पे भी एक इमेज बनी हुई है जहां पर लिखा है ब्लू कलर में गर्ल्स और पिंक कलर में बॉयज, है ना. होता उल्टा है, हमने पिंक कलर असाइन कर रखा है गर्ल्स के लिए और ब्लू कलर असाइन कर रखा है बॉयज के लिए. तो एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिया है क्योंकि ये इन पर्सन सेशन नहीं है, अदरवाइज मैं आपसे पूछती कि आप इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बॉयज में देखते हैं ज्यादा या गर्ल्स में देखते हैं. दिस इज सबमिसिव होना. सबमिसिव कौन होता है, लड़कियां होती हैं, लड़के क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लड़कियां क्या होती है, पैसिव होती हैं, लड़के कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट फियर्स होते हैं, ठीक है. लड़कियां डिपेंडेंट रहती हैं, जैसे यूजुअली कहा जाता है कि जब कोई बेटी पैदा होती है तो पहले अपने फादर पे डिपेंडेंट होती है, जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है. और मेल क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्टिव है, लॉजिकल है. फीमेल्स कैसी होती है, इमोशनल है, अरे जब देखो तब रोती रहती है. सिमिलरली अगर फैमिली में, अगर हम एक फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो डिसीजन कौन लेता है, मेल लेता है. तो इस तरह के कुछ जो हमारे रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, वो हमने असाइन करके रखे हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. है ना, लड़के जो हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, लड़कियों में ओबीडियंस ज्यादा होती है, बोला जाता है फीमेल्स आर नॉट गुड लीडर्स. ऑल्दो अगर आज प्रेजेंट वर्ल्ड में हम आज देखें, आज की दुनिया में हम देखें अक्रॉस द ग्लोब, तो हमें नजर आएगा कि ऐसा नहीं है कि वीमेन आर नॉट गुड लीडर. अभी प्रिंसिपल मैम ने मलाला यूसुफ जई जो चाइल्ड एक्टिविस्ट रही हैं, अब फीमेल राइट्स एक्टिविस्ट भी बन रही हैं, उनके बारे में भी बताया, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वीमेन लीडरशिप या फीमेल लीडरशिप कामयाब नहीं है, बट ये हमारे जेंडर रोल्स हैं, ये हमारी जनरल परसेप्शन है टुवर्ड्स आवर जेंडर कि हम कैसे देखते हैं मेल्स और फीमेल्स. कंपोजिशन की बात करें, क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो जेंडर को कंपोज क्या करता है, दो चीजों से जेंडर बना होता है. पहली चीज है कि जेंडर रोल क्या मिले हैं, जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए किस तरह का बिहेवियर ट्रेट जो है वो असाइन किया गया है. जैसे एक लेडी है, उसको क्या करना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, घर पे कोई आ जाए तो उसके लिए खाना बनाना चाहिए, उसको सर्व करना चाहिए. और आदमी क्या करेगा, इन द सेम सिनेरियो वो उनको अटेंड करेगा, उनसे बात करेगा. फीमेल्स जो है वो किचन में रहेंगी, मेल्स जो है वो बाहर रहेंगे, ठीक है. तो ये हमारे जेंडर रोल्स होंगे जो हमारी पर्टिकुलर सोसाइटी में हमें नजर आते हैं. देखिए, जो भी मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ उसको आप इंडिविजुअली या पर्सनली मत लीजिए, उसको एक जनरलाइज्ड सेंस में अपनी पूरी सोसाइटी के लिए देखिए कि हो सकता है आपके घर में ये एक्सेप्शन हो, ठीक है. आपके घर में हो सकता है कि जो फीमेल है वो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मेल है वो हाउस होल्ड वर्क्स करते हैं. लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी का फैब्रिक फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो वो किस तरह से हमें नजर आता है, वो हमारा जो है जेंडर रोल डिसाइड करता है, ठीक है. तो जेंडर रोल डिसाइड करते हैं कि एक मेल और फीमेल के लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है. जेंडर आइडेंटिटी मैंने आपसे पहले भी बात करी कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं. रिक्वेस्ट है कि अपनी ना माइक जो है आप लोग म्यूट कर दें प्लीज, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत कलरफुल या कुछ रिटर्न नहीं है, इट इज अ पिक्टोरियल स्लाइड, है ना. मैम प्लीज चेंज द स्लाइड. जी, अब आप इस पे देख सकते हैं कि एक तरफ फीमेल बनाया है पिंक में, एक तरफ मेल बनाया है. और इस पे आप देखिए कि किस तरह के जो है वो इमेजेस साथ में बनाई है. एक क्राउन बना है, लिपस्टिक बना है, लिप्स बना है, आईज बनी है,
एक घर बना है, राइट, ड्रॉइंग बना है, एक फ्लावर वास है ना, हार्ट बना हुआ है, एक जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक का जो है वो ग्लास बना है. उसी तरह दूसरी तरफ अगर आप मेल वेक्टर इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो टूल्स हैं, राइट, डॉलर का सिग्नेचर बना हुआ है, ब्रेन का सिग्नेचर बना हुआ है, ब्रीफ केस है, सिस्टम है, राइट, डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रक है. तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारे जो जेंडर रोल्स हैं हमने कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं. वी हैव पुट इन अ लाइन इन बिटवीन मेल एंड फीमेल कि जो औरतें हैं वो किस तरह की होंगी. शुरू से एक लड़की को जो बोला जाता है पापा की परी है ना, कि राजकुमारी जैसी है ना, या अगर आप तंस भी देखेंगे तो जो किसी को सटायर किया जाता है औरत को जब वो कोई काम नहीं करती है, महारानी बनकर बैठी हुई है ना. तो इस तरह से है ना लड़कियों का काम क्या है, लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, ठीक है, घर के काम करना, खाना बनाओ, बर्तन धो, गार्डनिंग कर लिया, ठीक है, जो आपके आसपास की चीजें हैं उनको देख लिया, है ना. और मेल के लिए क्या साइन किया गया है, जितना भी लॉजिकल, जितना भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वाला जो भी वर्क है, जितना भी स्ट्रेंथ वाला वर्क है, वो किसको दिया गया है, आदमी को. जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपसे बात की जाए पहलवान की, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी इमेज आएगी, एक मेल की या फीमेल की? ऑब्वियसली एक मेल की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम लोग ने एक जो है क्या किसी के भी दिमाग में पहलवान बोलते ही मैरी कॉम का नाम आया? नहीं आया होगा, ठीक है. पहलवान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आए होंगे बड़े बड़े रेसलर, हैवी बॉडी वेट वाले, है ना. सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है और जो हमारी जेंडर एक्सप्रेशन है, लाइक फीमेल्स के लिए फेमिनिटी हो गया और मेल के लिए मास्कुलिनिटी हो गया, और जहाँ पर या तो दोनों ओवरलैप करती हैं या फिर दोनों जो है कहीं ना कहीं अलग है, तो वहां पर जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो नीदर हो जाता है, नीदर मास्कुलिनिटी नॉर फेमिनिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब जेंडर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? जो जेंडर है वो हमारे जेस्चर्स, बिहेवियर्स और सिंबॉलिक आइडियोलॉजी से लर्न किया जाता है. जैसे एक छोटी सी एड आई थी थोड़े वक्त पहले कि एक कपल है, वो कपल जो है वो बैठा होता है तो उनके पास एक बेटा होता है, ठीक है, तो उनके पास एक और कपल आता है जिनके पास एक बेटी होती है, वो फ्रेंड्स होते हैं, तो वो वहां पर आ रहे हैं, तो जब वो वहां पर आते हैं तो वहां पर उनको बच्चों को खेलने भेज देते हैं. तो जब बच्चों को वो खेलने भेज देते हैं तो बच्चे जो है अंदर कमरे में जाकर के खेलना शुरू कर देते हैं. जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो लड़का जो है वो लड़की को पीटता है. अब लड़की बाहर आ जाती है तो लड़की बोलती है कि मम्मी पापा की मेरे को इसने मारा. तो लड़के को पूछा जाता है कि तुम इसको क्यों मार रहे हो? कहते जैसे मेरे पापा मम्मी को मारते हैं, मैं भी अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसको पता होना चाहिए कि इसको भी मार खानी है अपने पति से, ठीक है. तो कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा? जो हमारी सिंबॉलिक आइडियोलॉजीज हैं, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारे जेस्चर्स हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में जो प्रेवलेंट है, हमारे घर पे जो प्रेवलेंट है, वहीं से एक बच्चे की लर्निंग शुरू हो जाती है एज मेल एंड फीमेल. एक लड़की को कैसे पता है, एक छोटी सी बेटी को आप देखेंगे तो वो अपने आप को अडोन करती है एक चुन्नी के साथ दुल्हन बन के. वो कहाँ से सीख रही है? वो अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से सीख रही है ना. किसी शादी में जाएगी वो देखेगी अच्छा दुल्हन है, शर्माना होता है. क्या आप एक ऐसी शादी इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पर जो लड़की है उसने स्पोर्ट्स शूज पहने हो, जीन्स ट्राउजर पहना हो और मंडप में बैठी हो? नहीं इमेजिन कर सकते, है ना. या कोई शॉर्ट हेयर वाली लड़की जो है वो शादी कर रही हो, नहीं इमेजिन कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं, सोशल जेस्चर्स हैं, हमारा कल्चर है, उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जहाँ से हम इम्बाइब करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है. तो जो हमारा जेंडर है वो मैनिपुलेशन से होता है, ठीक है, उस वो कैनलाइजेशन से होता है, वो वर्बल एपिलेशन से होता है और एक्टिविटी एक्सपोजर से होता है. जैसे एग्जांपल कर लेते हैं कि सब जब भी किसी की शादी होती है तो बहू को या बेटे को आशीर्वाद क्या दिया जाता है? पुत्रवती भव, है ना, पुत्रवती भव. इसका मतलब क्या है? हमारी जो ओवर्ट प्रेफरेंस है वो किसके लिए है? मेल चाइल्ड के लिए है, ठीक है. क्यों? क्योंकि किसी कहीं ना कहीं ये बिलीव किया जाता है कि अगर बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा. क्या अब सिर्फ बेटे से वंश आगे बढ़ता है? देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि जो हम अपना मेल काउंटर पार्ट है उसको हम हटा रहे हैं, बिल्कुल नहीं. हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्या मेल और फीमेल दोनों जरूरी नहीं है एक वंश को बढ़ाने के लिए, है ना.
कि फैमिली का जो प्रॉपर्टी है वो उसको कौन देखेगा, फैमिली का मैनेजमेंट कौन करेगा, बिजनेस कौन संभालेगा, पैसा कौन कमाएगा, घर कौन देखेगा, है ना। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू दी जाती है एक फैमिली में, पहले से ही एक मेल बच्चे को जो है वो ऊपर रखा जाता है। सपोज एक फैमिली में दो बहुएं हैं, ठीक है, एक के पास बेटा हो जाता है, एक के पास बेटी हो जाती है, एट द सेम टाइम प्रॉक्सिमिटी में जो हम बात करते हैं, राइट। तो कौन सी बहू को ज्यादा टेक केयर किया जाएगा जनरली सोसाइटी में? ऑब्वियसली द वन विच इज ब्लेस्ड विद अ बॉय, जिस औरत के पास एक बेटा है। सेकेंडली, अगर आप सोसाइटी में बात करेंगे तो बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनकी एक प्रेफरेंस होती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी कि उनका जो बच्चा पैदा हो वो बेटा ही पैदा हो। फर्स्ट चाइल्ड शुड बी अ बॉय। इफ फर्स्ट इज नॉट अ बॉय तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि सेकेंड बच्चा कर लो। सेकेंड बच्चा, अब वो डरती है कि सेकेंड बच्चा भी लड़की होगी तो दोबारा से एक बेबी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल शेयर एन इंसिडेंस। मैं कहीं मार्केट में गई थी तो आई मेट अ लेडी, है ना, तो ग्रूमिंग इंडस्ट्री से थी। तो मैंने उनसे बात करना शुरू की, तो शी वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज। तो मैंने उनको पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कहती मेरे ना तीन बच्चे हैं। कहती मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है। कहती जब मुझे बेटा होना था, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। प्रभजोत कौर, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दे। प्रभजोत जी अपना माइक म्यूट कर दें, या फिर मॉडरेटर एंड से सबको म्यूट। मैम देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू। मैम आप मॉडरेटर एंड से सबको म्यूट कर दीजिए। आई विल अनम्यूट माय सेल्फ। हेलो, हेलो मैम, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, मैं दोबारा लॉग इन करती हूँ। Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, I will log in again. That can be the network issue because मेरे को आपके end से ना दो तीन लोग बात कर रहे हैं, तो I am unable to. I'll reconnect. क्यों? हेलो जी. Ma'am, can you hear me now? Hello. Hello. क्या आपको मेरी आवाज अब आ रही है मैम? हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, नाउ यू आर ऑडिबल।
एक्चुअली मेरे को कुछ मैसेज दिखा रहा था कि योर कॉल इज म्यूटेड बिकॉज़ ऑफ सम कॉल इशू आई डोंट नो आपकी तरफ से कॉल साइज बड़ा है कुछ इस तरह से वो दिखा रहा था चलिए एनीवेज वी विल कंटिन्यू आप एक बार यहां पर जनरल वल्नरेबिलिटीज वाला ये स्लाइड प्ले कर दीजिए तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हमारे जो बर्थ रिचुअल्स हैं या हमारी इनिशिएशन प्रैक्टिसेस हैं जिस तरह से हम एजुकेट होते हैं ये हमारा जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं जेंडर जब भी हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं तो हमारा जनरल जो एक एटीट्यूड होता है वो होता है कि जेंडर इशू की बात करें तो विमेन इशूज की ही बात करते हैं नहीं जेंडर और विमेन दोनों अलग अलग बातें हैं ठीक है विमेन इज वन ऑफ द जेंडर अभी हम तीन जेंडर्स की बात करते हैं मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर राइट मतलब मेन विमेन एंड थर्ड जेंडर ठीक है थर्ड जेंडर में आपकी ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटीज आ जाती हैं तो जेंडर्ड वल्नरेबिलिटीज और विमेन का क्या लिंक है देखिए रेस है डिसेबिलिटी है सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जेंडर आइडेंटिटी है नेशनैलिटी है ये कुछ ऐसी इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी है जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो है बनाते हैं ठीक है तो जब भी हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं तो हम विमेन इश्यूज पे इसीलिए बात करते हैं क्योंकि विमेन रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज है पहली चीज की वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है सेकेंडली कि वो मल्टी डायमेंशनल है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं आती है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तो अब जब भी हम विमेन वल्नरेबिलिटीज की एज जेंडर वल्नरेबिलिटीज बात करते हैं तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है सेंसस ऑफ इंडिया 20 आप देखेंगे अगर आप 1961 से द रेड लाइन एक बार रेड लाइन पे फोकस करिए जो रेड ग्राफ लाइन बनी हुई है 1961 में पर 1000 मेल जो है वो 941 फीमेल्स थी 1971 में यही नंबर 930 हो गया 1981 में ये नंबर थोड़ा सा बढ़ा 934 हो गया ठीक है फिर ये डिक्लाइन हुआ टू 927 देन इट इंक्रीज टू 933 एंड देन इट इंक्रीज टू 943 अब बात पर 1000 मेल पर या मेन पर विमेन कितनी है अब अगर आप 0 to 6 पर्पल फोकस दिखा रहा है टू वॉइस रेशियो इन द एज 0 to 6 इयर्स है ना 960 थी 1971 मतलब 10 साल के बाद जब सेंसस हुआ जनगणना हुई तो ये 964 गया उसके 10 साल बाद काउंट हुआ तो 962 हुआ उसके बाद एक स्टीप डिक्लाइन आया जब ये 945 हो गया उसके बाद वो फिर डिक्लाइन हुआ 933 पे पहुंच गया 2001 में और शॉकिंग था जब ये बना 2011 में सेंसस काउंट जो आता है 0 to 6 ईयर्स के लिए तो वो आ गया 918 यहाँ पर 919 लिखा हुआ है ना इट इज 918 ये शुरू की है तो लेटर ऑन इट वॉज चेंज टू 918 ये एक सिनेरियो है हमारी सोसाइटी का अब मुझे बताइए क्या नेचुरली ऐसा हो सकता है जहां पर आपको एक जगह पर 960 964 गर्ल चिल्ड्रन नजर आ रही थी वो सडनली 918 पर पहुंच गई या 920 पर पहुंच गई इज इट पॉसिबल इसका मतलब क्या है कि जो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं वो सिर्फ पोस्ट बर्थ नहीं है वो प्री बर्थ भी हो गया जैसे आप अगर इस स्लाइड पे ध्यान देंगे 1991 में जो है वो 945 है 1981 में 962 है ये वो वाला टाइम पीरियड है जब अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो थी वो डेवलप की जा रही थी अल्ट्रासोनिक मशीन्स डेवलप की जा रही थी 1991 वाला जो दशक है या डेकेड है उस दशक में अल्ट्रासाउंड मशीन्स की जो यूजेस थी फॉर सेक्स डिटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड इन द वूम्ब ना गर्भ में बच्चे की लिंग जांच करने के लिए वो बहुत बढ़ गई थी और जिन फैमिलीज को बेटियां नहीं चाहिए होती थी वो क्या करते थे बेटियों को इलिमिनेट करवा देते थे अबॉर्शन करवा देते थे ठीक है अगर हम अपनी लेमेन लैंग्वेज में बात करें और वही एक रीजन है कि 1962-1981 में होने के बाद फिर सारे अंतर पर जो है वो जो हमारी गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो थी वो क्या हो गई 918-19 के बीच में आ गई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज और यही कुछ एक रीजन हुए कि आपको ये दो डेकेड्स में 1991 से लेकर के अब तक या 2000 से लेकर के अब तक आपको बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी नजर आई जो वीमेन सेंट्रिक हैं या गर्ल चाइल्ड सेंट्रिक हैं जैसे एक स्कीम जो 2011 के बाद पर्टिकुलरली लॉन्च की गई वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो अभी भी फंक्शनल है ठीक है जिसके अंडर जो है वो बेटियों को बचाने उनको पढ़ाने और उनके सर्वाइवल की बात की जा रही है बचाना कैसे है कि उसका बर्थ होने देना है उसका एलिमिनेशन नहीं होने देना है
उसको सरवाइव करवाना है, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, उसको इक्वल खाना. आपने सुना होगा है ना, बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उन्होंने सुना होगा या उनकी मदर्स को या दादियों को इस तरह से बोलते हुए सुना होगा, या शायद कोई बच्चा ऐसा भी होगा, कोई अनफॉर्चुनेट गर्ल ऐसी होगी जिसने ये देख, जिसके साथ ये हो रहा होगा, या कोई बॉय ऐसा होगा जिसने अपनी बहन के साथ ये होते हुए देखा होगा कि घर में अगर दूध है तो दूध जो है वो बेटे को दिया जाएगा, बेटी को नहीं दिया जाएगा. ठीक है, खाना है तो अच्छा खाना जो है वो बेटे को पहले खिलाया जाएगा, उसको पेट भर के खिलाया जाएगा, और मदर और डॉटर लास्ट के लिए बच जाएंगे जहां पर वो लेफ्ट ओवर फूड जो है वो खाएंगे. अब बेटी का न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये चीजें भी बचानी है. अंडर द सेम स्कीम क्या है, उसको एजुकेट करना है, तो फ्री एजुकेशन इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ पर जो हमारे जेंडर रोल्स की हमारी बात करते हैं, तो ये जो जेंडर रोल्स हैं ये हमारी सेल्फ कॉन्शियस बताते हैं, बीइंग फीमेल और मेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और इसी की वजह से क्या है, हम लोग अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि आदमी ने कोई बात कही तो सही कही होगी, कोई औरत अगर कोई इकोनॉमिक ओपिनियन देते तो कहीं ना कहीं हम डाउट करते हैं. जैसे सपोज करिए किसी को कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो अगर वो किसी फीमेल को पूछते हैं तो या वहां पर चार लोग बैठे हैं जहां पर एक फीमेल है, दो मेल्स हैं, और जो चौथा बंदा है उसको जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो अगर फीमेल राइट भी देगी ना तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन में होगा, अच्छा पहले ये दो मेल्स की भी सलाह ले लीजिए. एंड इट हैपेंस विद इन द फैमिलीज आल्सो कि जो फीमेल्स हैं उनको हम ठीक है. तो ये किस वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कम होती हैं या मेल्स ज्यादा होते हैं या मेल्स कम है. देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, सिर्फ मेल और फीमेल की अगर बात करें, सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव और जेनेटिक पार्ट जो है वो अलग होता है. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, रिप्रोडक्टिव, जेनेटिक और हेरिडिटरी जिनको हम कहते हैं. अदरवाइज हमारे ब्रेन का साइज सेम होता है, हमारी आईज सिमिलर होती है, हमारा नोज सिमिलर होता है. ठीक है, अब देखिए आंखें भी मेल में होती है, दो ही फीमेल में होती है. रेड कलर मेल को भी रेड ही नजर आएगा, फीमेल को भी रेड ही नजर आएगा. इसका मतलब क्या है, ब्रेन परसीव भी सिमिलर कर रहा है. ठीक है, तो कहीं पर ये फर्क नहीं है कि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल में कोई कॉम्पिटिटिव या इंटेलेक्चुअल गैप होता है. इट इज जस्ट द सोसाइटी जिसने एस्टेब्लिश कर दिया है, हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया है. ठीक है, तो फीमेल रोल्स को हम कर देते हैं कि अच्छा जी कुकिंग करेगी. कोई लड़की है तो उससे ऑटोमेटिकली ही ये बिलीव किया जाता है कि वो खाना बनाती होगी, उससे पूछा नहीं जाएगा. कोई लड़का खाना बनाएगा तो बोले जी अरे तू खाना भी बनाता है. कोई लड़की कपड़े धोएगी तो वो नेचुरल है, नॉर्मल है. ठीक है, लड़की का काम है धोना, या घर पे मदर्स जो है वो हाउस होल्ड चोर्स करती है. वही कोई हाउस होल्ड चोर कोई लड़का करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा कि अच्छा ये लड़का है, ये ऐसा काम भी कर लेता है, तुझे पढ़ने नहीं देते हैं, तुझे खेलने नहीं जाने देते. हमारी सोसाइटी से बहुत सारी स्पेकुलेशन ऐसी आती है. ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइड के एंड में, इन इंडियन डिफेंस फोर्सेस, पहली चीज अब कुछ एक सालों से विमेन को इंडियन डिफेंस फोर्सेस में लेना शुरू कर दिया है. ठीक है, देयर हैज बीन अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी, लेकिन एक टाइम था पहले जब विमेन को जो है वो पर्टिकुलरली आप एनडीए का एग्जाम देख लीजिए, वो विमेन के लिए उसमें इलिजिबिलिटी नहीं है. CDS में देखिए तो वहां पर अगर डिफेंस फोर्सेस में अगर विमेन जाती हैं तो यूजुअली उनको डेस्क जॉब दी जाती है. ठीक है, और जितना भी लिंचिंग काम है वो सारा मेल्स को दिया जाता है. ये हमारे आसपास से ही देखने की चीजें हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इसीलिए जो हमारे जेंडर रोल्स हैं यहीं से कहीं ना कहीं हमारे को ये कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट नजर आने शुरू हुआ, विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म. तो एम्पावरमेंट क्या है, किसी एक इंडिविजुअल की पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करवाना, उनके साथ एक्सेस देना और उनको कंट्रोल करना. फॉर एग्जांपल किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होना, जॉब्स हैं, क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, यस हैं, तो वो क्या है, एम्पावरमेंट है, अवेलेबिलिटी एम्पावरमेंट है. एक्सेस, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या है, एक्सेस हो गया. ठीक है, जॉब ओपनिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि सब लोग आ सकते हैं, मेल और फीमेल नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, लास्टली आता है कंट्रोल, कि क्या जो एक्सेस मिला है, जो जॉब मिला है, या कोई औरत है वो अर्न कर रही है. ठीक है, तो जो वो मनी अर्न कर रही है क्या उसके उस मनी के साथ उसका एक्सेस है, मतलब
कि क्या वो पैसा अपने पास रखती है या पैसा अपने हस्बैंड या फादर को दे देती है. कंट्रोल कि क्या वो उस पैसे को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं उसके यूज के बारे में या नहीं, कि उसको कहाँ स्पेंड करना है कहाँ नहीं. नेक्स्ट स्लाइड है, ये वेज कैप को जो है वो डिपिक्ट करती है कि जो वेज कैप है वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर आपको वेज कैप नजर नहीं आएगा, जितना भी आपका जो है प्राइवेट सेक्टर आपको नजर आ सकता है. ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ये बात अक्सर उठती है कि एक हीरो की अगर फिल्म जो है 100 करोड़ पूरा करती है तो उसको पैसा ज्यादा मिलता है. एक हीरोइन, एक फीमेल एक्टर की अगर वो 100 करोड़ पहुंचती है तो शायद उसको उतना पैसा नहीं दिया जाता, तो वेज गैप वहां पर रहता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात ही क्यों होती है. इक्वालिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 14 में ही इक्वालिटी की बात करती है सब सिटीजंस के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस या जेंडर से आते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया में हमारी सोसाइटी अभी भी यही है. जब ये सेशन शुरू हुआ था तो कहा था उन्होंने कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो एक प्रेसिंग इशू है. हम बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी हमारे को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत वाइडली नजर आती है अपनी सोसाइटी में. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ही आता है जेंडर डिफ्रेंसिएशन. जैसे विमेन के लॉन्गर वर्किंग डेज होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ठीक है, कैसे एक औरत है वो अगर ऑफिस काम करती है तो घर आकर के खाना भी बनाएगी, बिस्तर भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, सुबह उठेगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी, लंच बनाएगी, बच्चे होंगे तो बच्चों को तैयार करेगी, उनके टिफिन पैक करेगी, वापस आएगी ऑफिस में भी काम करेगी, ऑफिस से आएगी. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ वर्क, जो फीमेल का अनपेड वर्क है वो सारा अंडर वैल्यूड या नॉट वैल्यूड वर्क है. जैसे किसी की मदर अगर जॉब नहीं करती है तो वो क्या कहते हैं, जी मम्मी तो घर पे रहती है. घर पे रहती है क्या, कोई काम नहीं करती है? आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, आपकी मदर आपके लिए कपड़े धोती है, आपके बर्तन धोती है, वो तो एक अनएंडिंग जॉब है, उसको तो छुट्टी भी नहीं है किसी दिन. ऐसा नहीं है इफ यू आर वर्किंग और यू आर गोइंग टू द कॉलेज, आपको एक संडे की छुट्टी होती है, एक गेजेटेड हॉलीडे की छुट्टी होती है. कोविड था, कोविड में लॉकडाउन हो गया, सब लोगों को छुट्टी हुई है ना, वर्क फ्रॉम होम हो गया, कुछ लोग जो है घर पे ही रह रहे थे. ठीक है, तो एक औरत का जो वर्कलोड था वो कितना बढ़ गया. पहले वो सुबह और शाम का नाश्ता देख रही थी, अब उसको दिन में भी एज पर चॉइस एज पर, और वहां कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन थे उसका ब्रंट भी उसने ही बियर किया. ठीक है, पब्लिक स्फीयर में देखें तो जो फीमेल का रोल है वो एज अ सपोर्टर देखा जाता है, एज एन इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता है उसका, वो क्या करेगी, असिस्ट करेगी. ठीक है, सिमिलरली अगर वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात करें कि तो जो इनकम है औरतें कितनी कम ले रही हैं, 1/10. ठीक है, अगर 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपए में से 10 रुपए एक औरत को दिए जाते हैं और 90 रुपए आदमी कमा रहे हैं, लेकिन जो 2/3 वर्क है, ठीक है, समवेयर 66% ऑफ द वर्क इज डन बाय द वुमेन. तो ये हमारी जेंडर डिफ्रेंसिएशन है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब क्योंकि ये पावर बेस्ड डिफरेंसेस हैं तो इनकी वजह से मार्जिनलाइजेशन होती है. मार्जिनलाइजेशन मतलब कि वो अपनी नीड्स और इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक्सक्लूजन हो गया. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि ट्रीटमेंट उसके साथ अलग हो जाएगी. ऑब्जेक्टिफिकेशन है, एड है कार की, दिखाया किसको जा रहा है, एक मॉडल फीमेल मॉडल को. एड है परफ्यूम की, मेल परफ्यूम की, दिखाया किसको जा रहा है, एक मॉडल मॉडल को. राइट, उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया आपने. इन्फेंटिलाइजेशन किसकी है, फीमेल की है. कैसे, बच्चा पैदा होगा कौन देखेगी और देखेगी. ठीक, डिसीजन मेकिंग पावर्स, बच्चा करना है नहीं करना है वो किसके पास है, मेल के पास है, फैमिली के पास है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से एंटर करना है वो उसका राइट टू डिसीजन नहीं है. सिमिलरली डिस्पोजेशन, डिस्पोजेशन क्या है, अच्छा किसी फादर की सपोज करो 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, तो बेटियों को बुलाया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर कि जो प्रॉपर्टी है ना तुम्हारे नाम पर तुम लिख के दे जाओ. तो वो क्या है, डिस्पोजेशन है. वो चाहती है या नहीं चाहती है ये नहीं पता, लेकिन वो अपनी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्पोजेस कर देगी कि मेरे भाई के साथ रिश्ते खराब ना हो जाए, जो मेरे को राखी दिवाली पे बुलाता है वो बुलाना ना बंद कर दे. वैल्यू असाइनमेंट, एक औरत के जो वैल्यू है, ठीक है, वो उसकी रिप्रोडक्टिविटी और उसकी जो है इंटीमेसी के बेसिस पर जो है वो असाइन की जाती है. ठीक है, बेटे को पैदा कर दिया,
किसी के बेटियां ही हो रही हैं तो बोलेंगे अच्छा जी इसमें ही कुछ इशू है, जबकि हम सबको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से वन पेयर इज देयर ना, जो फीमेल में तो एक्स ही रहता है लेकिन मेल में वाई होता है, ठीक है। तो जो हमारे जेनिटल्स हैं या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसी भी एक चाइल्ड का जो इंडिविजुअल बॉर्न हो रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वाई ऑफ द मेल, ठीक है, वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल। एक्स एक्स होगा तो फीमेल हो जाएगी, एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो वैल्यू असाइनमेंट है वो किसकी किसकी की जा रही है, फीमेल की जा रही है। वायलेंस कुछ भी होता है, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, इमोशनल, वट एवर, सेक्सुअल, ये सब वायलेंस जो है वो फीमेल के ऊपर ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली एक फीमेल हमेशा सबॉर्डिनेट पोजिशन पे रहेगी। जेंडर एसिमेट्रीज का एक आगे सर्कल बना हुआ है, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है। तो जेंडर एसिमेट्रीज आउटकम है किस चीज का, जो हमारे हाउस होल्ड में हमारे फिजिकल असेट्स के ऊपर कंट्रोल है, हमारी मार्केट में लैंड, लेबर और फाइनेंसेस, प्रोडक्ट मार्केट का जो कंट्रोल है या उसमें पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, स्टेट पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स है उनका जो एक्सटेंशन है, ठीक। अब यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर बात हुई हमारे पास कंट्रोल की है ना, हमारे पास बात हुई पार्टिसिपेशन की, तो ये किस वजह से हो रहा है, कंट्रोल की बात जहाँ पर आती है वहां पर कि कितना कंट्रोल वो कर पा रही है वो रिसोर्सेज जो उसके लिए ही है, ठीक है। अब एक बॉडी के ऊपर किसका राइट होगा, मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी पर राइट किसका होगा, मेरा होगा, लेकिन एक फीमेल के लिए, एक वुमेन के लिए ये चीज चेंज हो जाती है, राइट। देन मेन स्ट्रीमिंग के प्रोसेस पर आएंगे, मैम नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज प्ले करते जी, दैट्स इट। अब ये हमारा मेन स्ट्रीम सर्कल है, ठीक है, पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, शॉपकीपर्स, ठीक है, टीचर्स, मनी सिस्टम, ये सब चीजें, ये सब चीजें आपका मेन स्ट्रीम बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट तीन कर दीजिए मैम, देयर विल बी अ फिगर। हाँ, अब ये देखिए, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, एक डॉटर है, हैंडीकैप्ड है, ओल्ड है, बेगर है, रग पिकर है, प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, आपकी ओल्ड एज है, नंस हैं, मदर्स हैं, ये सब मार्जिनलाइज सेक्शन बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है। तो जो हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन का पर्पस है वो क्या है, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है आउटसाइड द सर्कल, इसको कहाँ लाना है, इन द मेन स्ट्रीम सर्कल। तो जो लड़ाई है वो ये नहीं है कि मेल सुपीरियर है या फीमेल सुपीरियर है, लड़ाई ये है कि जो पीछे छूट गया है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, उसको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, मेन स्ट्रीम मतलब फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट मैम तीन और कर लीजिए, स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक इमेज आएगा आगे, इसके आगे करिए मैम, नेक्स्ट प्लीज। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पर्सन सेक्स इन एक्शन ऑफ रिसोर्सेज बेनिफिट एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब एक इमेज देखिए, देखिए इक्वालिटी क्या है, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करें, इक्वालिटी क्या है, सब लोगों को एक ही टेस्ट दिया गया, सब कौन है यहाँ पर, ऑल द एनिमल्स आर एलिफेंट, मंकी, ठीक है, यू कैन सी पैरट, फिश, ठीक है, सबको एक ही टेस्ट दिया गया, सेम टेस्ट दिया गया कि उनको क्या करना है, पेड़ पे चढ़ना है, क्या है जेंडर, ये इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इक्वालिटी, सबको सेम पैरामीटर पे जो है वो असेस किया जा रहा है। बट क्या एक हाथी पेड़ पे चढ़ सकता है, क्या एक फिश पेड़ पे चढ़ सकती है, तो इसका मतलब क्या है, जो इक्वालिटी है इट शुड इंश्योर कि, तो हमें इक्वालिटी से किधर को जाना पड़ेगा, इक्विटी की तरफ को जाना पड़ेगा। मैम दो स्लाइड्स और प्लीज फॉरवर्ड कर देंगे, There will be another image. आगे कर दीजिए, हाँ जी, इक्वालिटी ऑफ सोशली वैल्यूड गुड्स, ठीक है। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी क्या है, जैसे यहाँ पर भी एक इमेज बना हुआ है कि एक बास्केटबॉल ग्राउंड है जहां पर मैच हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि वहां पर एक बॉल लगा हुआ है, बॉल से लीप करके वो देखना है, ठीक है, उसको देख चढ़, एक क्या है, एक मिडिल हाइट का है और एक लंबा है, तो क्या किया, तीनों को सेम इंच दे दिया, सेम साइज के स्टूल से दी खड़े होने के लिए, कि यू कैन जस्ट लुक एट इट, ये इक्वालिटी हो गया। इक्विटी क्या है,
कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना एक्सेस एंड कंट्रोल दे दिया, जैसे जो सबसे कम हाइट का था उसको दो स्टूल दे दिए, अब तीनों लोग देख सकते हैं। थर्ड वन, जस्टिस क्या है कि वो जो ब्रिक्स की वॉल बनी है उसको हटा करके अगर आप रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, इन एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज जस्टिस किया जाए, ठीक है। जस्टिस कैसे किया जाए कि तीनों को एक्सेस दे दिया जाए। नेक्स्ट, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। सो इसका मतलब क्या है कि जो जेंडर है, जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, जो हमारे पास जेंडर सेंसिटाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं एक ही बात करती है कि जो मार्जिनलाइज्ड है, वल्नरेबल है, जो पीछे छूट गया है, उसको खींच करके आगे लाना है, ठीक है। महात्मा गांधी की एक बहुत फेमस कोट है कि जो विमेन है वो वीकर सेक्स नहीं है, आप विमेन को वीकर नहीं बोल सकते हैं कंपेयर टू मैन, क्योंकि जो उनकी कैपेसिटीज हैं वो इक्वल हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैं। तो एक मेल जो है फीमेल के लिए, फीमेल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है ऑन द कैपेबिलिटी शी हैज बीन गिवन, उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो उसको नेचर गिफ्टेड है, ठीक है। तो ही सेड इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस डू नॉट मीन इक्वालिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, जो मैंने लास्ट में आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि जो एलिफेंट है, जो मंकी है, जो फिश है, उन सबको आप सेम टेस्ट दे रहे हैं कि पेड़ पे चढ़ जाओ, तो क्या सबकी कैपेबिलिटीज बराबर है, क्या सबके ऑक्यूपेशन सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो एट द एंड आई वुड क्लोज बाय सेइंग कि कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे वर्क प्लेस पे जो वुमेन आ रही है उसकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और वो जो है वो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जेंडर सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है। कलर को जेंडर कर दिया कि पिंक जो है वो सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं, लड़के नहीं पहन सकते। देयर आर कुछ ग्रुप्स, कम्युनिटीज को छोड़ देंगे तो आपको ये जनरलाइज्ड चीजें नजर आएंगी। तो जो जेंडर सेंसिटाइजेशन में मैंने बात की वो जनरलाइज्ड व्यू ऑफ द सोसाइटी था, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन से आपको थोड़ा जेंडर के बारे में समझ आया होगा और आप अपना बिट जो है वो इसमें करेंगे। लास्ट में एक स्टोरी है कि एक स्टोरी है या आपके लिए थॉट छोड़ के जा रही हूँ कि एक विमेन है, घर पे वो खाना बनाती है लेकिन ढाबे पर कौन खाना बनाता है। एक विमेन है जो घर पे प्रेस करती है लेकिन आपके पास जो आयरन मैन है या धोबी है वो कौन होता है, ठीक है। घर में पूजा पाठ एक औरत करती है लेकिन एक मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में पुजारी, भाई या प्रीस्ट कौन होता है, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है कि जो नॉन पेइंग जॉब्स हैं वो हम विमेन के लिए छोड़ देते हैं और उसको अंडर वैल्यू या विदाउट वैल्यू कर देते हैं, और जो मेल्स हैं उनको हम इकोनॉमिक जॉब्स जो हैं वो देते हैं और फिर हम कहते हैं कि विमेन डू नथिंग बट जस्ट वीप एंड क्राई, दे आर द वीकर सेक्स। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for this wonderful session. You very well explained the concept of gender identity, gender role, vulnerability, and us midwives, and its impact on Indian male-dominated society. It was really a great session. And now I would invite Dr. Jyoti Singla for the formal vote of thanks. Good afternoon, all. I, Dr. Jyoti Singla, on behalf of GGDSD College Management, Principal Ma'am, Women Empowerment Cell, all staff members and students, thank the worthy speaker, Dr. Anshul Sharma, who gave her vital time from her busy schedule to grace this webinar. Your lecture was so informative and engrossing. You explained about the gender, their conventional roles and identity in very well manner. Moreover, your lecture aware us about the gender issues between men and women in society and to understand the importance of affording women and men equal opportunities and treatment. We learned a lot from your lecture, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for spending your quality time with us. Thank you, ma'am. Now I request all to stand up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग तब शुभ राम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थैंक यू नाउ वी आर एंडिंग दिस मीटिंग I'm sharing the link of feedback form. You are all are requested to please fill this feedback form. Thank you, ma'am. Thank you. Good day to everyone.